नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। किरदार इस किरदार को लेकर आप जिनको देख के हम रोमांचित होते थे, हंस पड़ते थे और जिंदगी के सब दुख भूलकर सुखी और आनंदी होते थे, वो दो कॉमेडियन जिनके हम पहले से फैन रह चुके हैं वो इसमें है। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि मैं प्रतीक्षा करूं कि ये फिल्म कब रिलीज होती है। दादा जो सड़क कामगार यूनियन के एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं उनका भी, और सुनील पाल जी जो बहुत ही हिंदुस्तान के सबसे नंबर वन कॉमेडी हैं, अहसान कुरैशी साहब जो हिंदुस्तान के लाफ्टर के सबसे बड़े कॉमेडियन स्टार हैं, नेहा बंसल जी हमारे साथ हैं, और डायरेक्टर विशन यादव जी ने जी ये कॉन्सेप्ट लिखा है और इसको तैयार किया है। काफ़ी पुराने हमारे मित्र हैं, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट और सब इन्होंने तैयार की है, तो काफ़ी दिनों से इनका प्लानिंग चल रहा था और इन्होंने मुझे ऑफ़र किया ये फिल्म। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ विशन यादव जी का, और हमारे साथ में एहसान भाई, सुनील भाई और राणे जी, राणे साहब, विशन यादव जो हमारे डायरेक्टर हैं, नेहा बंसल जी जो अभिनेत्री हैं, आप सबका और हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये साल में ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, तो आपका प्यार आशीर्वाद फिल्म के ऊपर हमारे ऊपर बनाए रखिए। कि जहाँ पर कॉमेडियंस होते हैं वो फिल्म अच्छी सबको लगती है, और हमारी इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कॉमेडियन सुनील पाल जी और एहसान कुरैशी साहब इस फिल्म में हैं, तो नेचुरली फिल्म तो बहुत अच्छी लगने वाली है। बाकी इसमें और भी कलाकार हैं, मैं भी एक सीनियर कलाकार हूँ, उस हिसाब से मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी यूनिट को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, और मैं काफ़ी साल से इस लाइन में हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है अपनापन के भाई ये अपनी फिल्म है, तो यहाँ पर मुझे अपनापन काफ़ी फील हो रहा है। खान जो ये फिल्म के हीरो है वो मेरा छोटा भाई है, और आने वाले समय में अपने आप को वो अच्छे से प्रोजेक्ट करेगा, ऐसी उसको शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छे से गए 6-8 महीने से मैं उसको बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, बहुत प्रोग्रेसिव ग्राफ है उसका, बहुत से 7-8 फिल्म उसके फ्लोर पे है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक अच्छा स्टार बन के वो अपने सबके सामने आएगा। हमें इतना सपोर्ट करते हैं हमारी फिल्म के लिए, हर चीज़ के लिए, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दादा का और पूरी धड़क कामगार यूनियन का जो मुझे आज मेरी फिल्म के लिए सपोर्ट करने के लिए आए, और आप सबका। बस आप लोग दुआएं रखिए और प्यार रखिए, और फिल्म को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होए और फिल्म कामयाब होए, हम सब देखें और हिंदुस्तान में हम सबका, जैसे कि दादा की उम्र, उस दिन मैंने देखा था दादा की उम्र अभी 36 ईयर्स है, तो इज़ वेरी यंग टू द पॉलिटिकल इंडस्ट्री, तो जैसे कि आज ये इतना यंग है, तो वही मैं सोचता हूँ कि आने वाले सालों में इनका मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में नाम होगा इंशाल्लाह। रखने पड़ती है इसलिए कि कहीं सेंसर बोर्ड में अटक गई तो दादा काम आएंगे, और इनके रहते लग रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं इस फिल्म के, तो ये फिल्म अच्छी रहेगी, दादा का आशीर्वाद हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, और आई डोंट नो व्हाट इज़ लव, ये एक फिल्म है जो आज जिसका मुहूर्त होने जा रहा है, जिसमें हमारे सारे दोस्तों ने मिलकर ये फिल्म बनाई है, तो मैं भी इस फिल्म का एक हिस्सा होने के नाते आज बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है कि एक अच्छी फिल्म, एक क्रिएटिव फिल्म, एक रोमांटिक फिल्म जिसमें कॉमेडी का तड़का भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, म्यूज़िक भी है, तो ऐसे फिल्म का हिस्सा मुझे बनने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म जल्द से जल्द बनकर पब्लिक के सामने जब आएगी तो दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, पूरे परिवार को पसंद आएगी। काफ़ी अच्छी है और सबका साथ रहा तो काफ़ी अच्छी फिल्म बनेगी, बस यही आशा करते हैं। तो क्या विषय क्या है इस फिल्म का, व्हाट इज इट, क्या क्या दिखाने की कोशिश की? लव स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है। अच्छा, हाँ, और काफ़ी अच्छे से हम लोग कर रहे हैं शूटिंग उसको। और कलाकार के बारे में, नए कलाकार कौन है जो आपके लीड एक्टर हैं? नए कलाकार प्रेम प्रकाश जी हमारा, मैं लीड कर रहा हूं। आ जाओ इधर। वो कहते हैं गाने बहुत अच्छे, सिंगर्स ने गाए, नया जी हैं, एहसान जी, किरदार में बताइए। मैं इस फिल्म में साहिल का कैरेक्टर कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ इस फिल्म में, और बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है, लव स्टोरी ट्रायंगल जैसे सबने बताया, बहुत ही पेचीदा स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, और यूथ को ये काफ़ी अट्रैक्ट करेगी, जो आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं उनको काफ़ी पसंद आएगी फिल्म। भीषण सर बना रहे हैं इस फिल्म को बहुत ही प्यारे तरीके से, बाकी एहसान भाई हैं, सुनील भाई हैं, काफ़ी प्यारी फिल्म बनने वाली है, मज़ा आने वाला है। कमाल जी अभी आ जाइए, आइए सिंगर पूछ लेना भाई, सर इधर आ जाइए आप। नॉर्मली हम तो बहुत सीधे साधी माँ का रोल करते हैं, लेकिन बेदी जी ने और वाहिद जी ने हमसे कहा
कि बस अब नेगेटिव करना है, लेकिन प्यार करने वालों के सामने तो दुनिया झुक जाती है, तो हम भी झुक गए, हमने मिला दिया प्यार करने वालों को, इसीलिए इसका नाम है आई डोंट नो व्हाट इज़ लव। तो हम लव समझे और मिला दिए स्टारकास्ट को, और इट्स अ लवली स्टारकास्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द ब्लेसिंग फॉर द फुल ग्रुप। ये फिल्म में मैं मुन्नी बाई का किरदार अदा कर रही हूँ। इसके पहले मैंने सीरियल में काफ़ी कैरेक्टर रोल्स किए हैं, काफ़ी फिल्में भी की हैं, इसमें मेरा काफ़ी अहम रोल है जो आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। मैं एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा कैरेक्टर है, जैसे कि मधु करके मेरा कैरेक्टर है, और इसमें जैसे कि कोई लड़की फंस जाती है गलती से, अगर कोई फील्ड में आके फंस जाती, तो मैं इसमें ये बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं झेल रही हूँ, वो उसके साथ ना हो ऐसा, और मैं उसे आश्वासन देती हूँ, और कहीं ना कहीं जितना हो सकता है मैं यहाँ तक कहती हूँ कि मेरी जान तो जान जाए, उससे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूँगी और मैं तुझे इस दलदल से बाहर निकाल के रहूँगी। जो मूवी का मूवी है आज शूट स्टार्ट हुआ है, मूवी का टाइटल है आई डोंट नो व्हाट इज़ लव, इट्स अ ट्राइंगल लव स्टोरी, उसमें मैं सिमरन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। किस तरह का इसमें कैरेक्टर होगा और कौन कौन किरदार है इसके बारे में? जी, ये कॉलेज गर्ल का कैरेक्टर है, बेसिकली ट्राइंगल लव स्टोरी है, तो मैं जो हूँ साहिल नाम के कैरेक्टर से प्यार करती हूँ, साहिल नेहा नाम के कैरेक्टर से प्यार करता है, नेहा विजय नाम के कैरेक्टर से प्यार करता है, इट्स काइंड ऑफ ट्राइंगल। और इसमें हमारे कमल खान है जो विलन में है, विजय का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, साहिल जी हैं जो लीड प्ले कर रहे हैं, नेहा का कैरेक्टर आपकी बहू जी प्ले कर रहे हैं। वैसे तो इस तरह की कई फिल्में आई हैं, लेकिन इस फिल्म के द्वारा समाज में क्या मैसेज जाएगा? बेसिकली बात करें तो ये सोशल मैसेज टाइप की मूवी नहीं है, इट्स अ लव स्टोरी। ओके, बाकी इस फिल्म के और कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनील पाल जी आए थे और भी कई सारे बड़े फिल्म, सुनील पाल जी, एहसान कुरैशी जी, रमेश गोयल जी, उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत है नहीं, वो सब इस मूवी में काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो जहाँ सुनील पाल जी का नाम है, कुरैशी जी का नाम है, तो ऑब्वियसली इसमें कॉमेडी का तो धमाल होने ही वाला है। और बेदी जी को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मौका दिया। फिल्म का शेड्यूल कब तक ऑन सेट कब तक आने का प्लान कर रहा है? अभी आज तो मुहूर्त किया है, तो शूटिंग आई थिंक 24 से स्टार्ट होगी, तो अभी शेड्यूल्स बने नहीं हैं और बहुत जल्दी मूवी रिलीज होगी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका प्यार इसी तरह देते रहिए, मूवीज देखिए और ऐसे ही दर्शक। फ्यूचर के सुपर स्टार है हमारे। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर विशन यादव जी हैं, जो डायरेक्टर इस फिल्म के विशन यादव जी हैं। समीरा और लाइक अवर सिस्टर, शी इज़ वेरी नाइस ब्यूटिशियन, जो काफ़ी बड़े बड़े अभिनेताओं का ये ब्यूटिशियन करते हैं, तो ये मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सिस्टर, एंड गॉड ब्लेस टू मी एंड गॉड ब्लेस टू यू, लव यू, लव यू। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।